गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अपने घरों में सुरक्षित होंगे। तो आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज का मेरा वीडियो बनाने का पर्पज सिर्फ इतना सा है कि जो मेरी सबसे पहली वीडियो थी एमए प्राइवेट सोशोलॉजी के ऊपर, तो जब वो वीडियो मैंने बनाया था तो वो काफी पहले मैंने बनाया था। उस समय जो आप लोगों का सिलेबस था और जो आपके पेपर्स थे एमए प्राइवेट के, वो सोशोलॉजी के वो अलग थे। अब जो पिछले मतलब लास्ट ईयर से जो है वो पेपर क्या कहते हैं, वो जो आप लोगों का सिलेबस है, जो पेपर्स हैं उनको और ज्यादा बढ़ा दिया गया है। तो इस वजह से आज मैंने आप लोगों को वीडियो बनाया है। तो कुछ बच्चे कह रहे थे कि मैम अब तो पेपर चेंज कर दिए गए हैं, बच्चों के जैसे पेपर कमेंट्स आए थे और सब्जेक्ट नेम भी चेंज हो गए हैं। तो आज मैंने वही आप लोगों को यहाँ पे बोर्ड पे मैं आप लोगों को थोड़ा सा डिटेल में बता रही हूँ कि कितने पेपर होते हैं, टोटल कितने नंबर का पेपर आप लोग एग्जाम में आता है। जो पुराने बच्चे हैं उनको तो खैर पता है, बट जो नया बैच आएगा उनको मैं बताना चाह रही हूँ। तो एमए प्राइवेट फर्स्ट ईयर की हम बात करेंगे। जो एमए प्राइवेट फर्स्ट ईयर के बच्चे हैं सोशोलॉजी के, जो एडमिशन लेंगे और एग्जाम फॉर्म भरेंगे, तो उनको मैं बताती हूँ कि फर्स्ट ईयर में आप लोगों के जो है वो टोटल 7 पेपर होते हैं। ठीक है, पहला पेपर जो है आपका वो है क्या, क्लासिकल थिंकर। ये आपके सब्जेक्ट कोड भी दिए हैं, हर पेपर का एक अपना सब्जेक्ट कोड होता है। ये सब्जेक्ट कोड जो है वो आपको अपने एग्जाम फॉर्म में भी भरना होता है। तो ये आप लोगों के कंपल्सरी पेपर है फर्स्ट ईयर में। तो पहला है आपका क्लासिकल थिंकर, जिसका सब्जेक्ट कोड है G187। क्लासिकल थिंकर हो गया मतलब प्रतिष्ठित विचारक। फॉर एग्जाम्पल के जो अगस्त कामटे थे, मैक्स वेबर थे, या एमआईएल जोखिम हुए हैं, जिन्होंने समाजशास्त्र के क्षेत्र में अपना योगदान दिया है, उनके बारे में स्टडी करेंगे। सेकेंड है आपका मैथोलॉजी और सोशल रिसर्च, जिसका सब्जेक्ट कोड है G188। ठीक है, जिसका मतलब है कि सामाजिक अनुसंधान का पद्धति शास्त्र। इसके अंतर्गत आप सोशल रिसर्च के बारे में पढ़ेंगे, रिसर्च का जो डाटा होता है उसके बारे में पढ़ेंगे, डाटा कलेक्शन के बारे में पढ़ेंगे, आप जो आप लोग के स्टेप्स होते हैं सोशल रिसर्च के उसके बारे में आप स्टडी करेंगे ब्रीफ में। नेक्स्ट है आपका थर्ड पेपर है सोशोलॉजिकल कॉन्सेप्ट, जिसका सब्जेक्ट कोड है G287, यानी समाजशास्त्रीय अवधारणाएं। फॉर एग्जाम्पल के लिए जो समाजशास्त्र के जो बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे सब्जेक्ट में। फोर्थ है आपका रूरल सोशियोलॉजी, जिसका सब्जेक्ट कोड है G190। रूरल सोशियोलॉजी का मतलब हो गया ग्रामीण समाजशास्त्र, जो ग्रामीण क्षेत्र से रिलेटेड समाज होता है उसको हम ग्रामीण समाजशास्त्र कहते हैं। ग्रामीण समाजशास्त्र के अंतर्गत हम इसमें इसका मीनिंग, इसका स्कोप क्या है, ठीक है, और इसके अंतर्गत हम जो इसका सोशल स्ट्रक्चर होता है, इसकी इकोनॉमी कैसी होती है, इन सारी चीजों के बारे में स्टडी करेंगे। फिफ्थ पेपर जो है आपका वो है बेसिक स्टैटिक्स कंप्यूटर एप्लीकेशन इन सोशल रिसर्च। मैंने शॉर्ट में लिखा है बेसिक स्टैटिक्स कंप्यूटर एप्लीकेशन इन सोशल रिसर्च, जिसका सब्जेक्ट कोड है G288। ठीक है, तो इसमें हम सोशल रिसर्च से में जो स्टैटिक्स का पोर्शन आता है उसके बारे में स्टडी करेंगे। नेक्स्ट सिक्स जो है आपका नियो क्लासिकल थ्योरीज, जिसका सब्जेक्ट कोड है G289। तो नियो क्लासिकल थ्योरी जो हो गया आपका वो हो गया नव शास्त्रीय सिद्धांत। ठीक है, इसके अंतर्गत हम सोशल सिस्टम हमारा कैसा होता है, जो भी थ्योरीज दी गई है, फॉर एग्जाम्पल के आल के मर्टर ने अपनी थ्योरी दी थी, जितने भी समाजशास्त्री हुए हैं उन्होंने समाजशास्त्र के क्षेत्र में जो जो अपनी नई खोजें करी हैं उसके बारे में जितनी भी नई नई चीजें उन्होंने बताई हैं वो सारी हम इसके अंतर्गत जो थ्योरीज आएंगी नियो क्लासिकल थ्योरीज के अंतर्गत वो हम स्टडी करेंगे ब्रीफ में। नेक्स्ट है सोशल चेंज कॉन्सेप्ट एंड थ्योरीज, इसका सब्जेक्ट कोड है G290। ठीक है, तो इसका मतलब हो गया सामाजिक परिवर्तन की अवधारणाएं और उसके सिद्धांत। तो इसमें सोशल चेंज के जो कॉन्सेप्ट दिए हुए हैं और जो थ्योरीज हैं उनके जो फैक्टर्स हैं उनके बारे में हम ब्रीफ में स्टडी करेंगे। ये फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट है, टोटल 7 सब्जेक्ट है, 7 पेपर आप लोग के जो है वो 100-100 नंबर के होते हैं, यानी टोटल फर्स्ट ईयर जो है आपका 700 नंबर का पेपर होता है। ठीक है,
यानी भारत में सामाजिक परिवर्तन। तो भारत में सामाजिक परिवर्तन में, सामाजिक परिवर्तन की सोशल चेंज की जो प्रोसेस होती है, उसके अप्रोचेस जो होते हैं, जो उसके फैक्टर्स होते हैं, उनके बारे में हम स्टडी करेंगे। नेक्स्ट हमारा आता है मॉडर्न सोशियोलॉजिकल थ्योरीज, जिसका सब्जेक्ट कोड है G389। तो आपकी जो ये मॉडर्न सोशियोलॉजिकल थ्योरीज है, इसके अंतर्गत आता है आधुनिक समाजशास्त्रीय सिद्धांत। जितने भी आधुनिक तरीके से जो सिद्धांत दिए गए हैं, उसके बारे में हम थ्योरीज जो है वह स्टडी करेंगे। नेक्स्ट थर्ड है आपका सोशल प्रॉब्लम इन इंडिया, पेपर कोड है G390। तो इसमें है भारत में जो सामाजिक समस्याएं उत्पन्न होती हैं, उनके बारे में स्टडी करी जाएगी। इसमें जैसे मान लीजिए आपकी सोशल प्रॉब्लम हो गई, फैमिली प्रॉब्लम हो गई, आपकी इकोनॉमिक प्रॉब्लम हो गई और आपकी वुमेन प्रॉब्लम हो गई, इन सारी जो भी परेशानियां हैं, जो भी सामाजिक समस्याएं हैं हमारे समाज में, उनके बारे में हम स्टडी करेंगे। अब बात आती है फोर्थ पेपर की। तो फोर्थ पेपर है क्लासिफिकेशन इन सोशल लॉजिक, जिसका पेपर कोड है G391। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन जो आपकी थ्योरी में हमारा तात्पर्य हो गया समाजशास्त्र में वर्गीकरण। तो इसके अंतर्गत हम जो वर्गीकरण है समाजशास्त्र का, उसके मीनिंग के बारे में पढ़ेंगे, उसके रेफरेंस के बारे में पढ़ेंगे, उसके जो प्रिंसिपल्स होते हैं उनके बारे में स्टडी करेंगे। नेक्स्ट है फिफ्थ पेपर है आपका पर्सपेक्टिव ऑन इंडियन सोसाइटी, जिसका सब्जेक्ट कोड है G392। तो G392 में आपका जो है भारतीय समाजशास्त्र के परिप्रेक्ष्य, ठीक है, इसमें समाजशास्त्र का जो स्ट्रक्चर कैसा होता है, उसके फंक्शंस क्या क्या हैं, इनके बारे में हम स्टडी करेंगे। नेक्स्ट सिक्स है आपका सोसाइटी इन इंडिया, जिसका पेपर कोड है G387। ठीक है, सिक्स पेपर है आपका। तो सिक्स पेपर में आपका जो है वो है भारत में समाज। तो इसके अंतर्गत हम इंडियन जो सोशल स्ट्रक्चर है, जो उसके इंस्टीट्यूशन है, जैसे फैमिली इंस्टीट्यूशन है और सोशल इंस्टीट्यूशन है, इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन है, तो सारे इंस्टीट्यूशन के बारे में हम स्टडी करेंगे। अब बात आती है सेवन पेपर की। तो यहाँ मैंने लिखा है एनीवन, ठीक है। तो जो सेकेंड ईयर है उसमें टोटल आप लोगों के 8 है, ठीक है, 8 पेपर होते हैं, जिसमें से 7 तो आपकी थ्योरी होती है और 8 पेपर जो है आपका वो क्या होता है, वाइवा का होता है, ठीक है। 7 पेपर जो है आपका वो आपका ऑप्शनल पेपर होता है। ऑप्शनल पेपर में आप लोग के 4-5 पेपर दिए होते हैं, उसमें से आपको एक चूज करके अपने फॉर्म में फिल करना होता है। तो इसमें आपको ट्रिप्स एंड इंडिया, ठीक है, पॉलिटिकल सोशियोलॉजी और सोशियोलॉजी इन एनवायरमेंट और सोशल मूवमेंट, ये 3-4 पेपर जो आपको दिए होते हैं, जो भी पेपर आपको इजी लगेगा आप उस पेपर को जो है अपने फॉर्म में फिल कर देंगे, ठीक है बेटा। और 8 पेपर आपका हो गया वाइवा। तो सेकेंड ईयर के भी सारे पेपर जो है वो 100 नंबर के होते हैं, टोटल आप लोग को 800 में से सेकेंड ईयर के मार्क्स दिए जाएंगे। वाइवा जो है आपका वो भी 100 नंबर का होता है, ये ओरली होता है, ये जब थ्योरीज के पेपर आप लोग हो जाएंगे उसके बाद ये पेपर कराया जाएगा, ठीक है। तो ये सारी डिटेल आज मैंने आप लोग की फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर वालों को बता दी है। तो आप लोग देख सकते हैं कि क्या क्या सब्जेक्ट होते हैं और क्या क्या उनके नाम है, उनके पेपर कोड क्या है, इनके सिलेबस मैंने अपने कई पिछले वीडियो में बना करके दिए हुए हैं। अगर किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग मुझे बताइएगा, तो मैं आप लोग को उसका लिंक जो है वो शेयर कर दूंगी, ठीक है। तो आप लोग अच्छे से इसको स्टडी करिएगा, फिर हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।